वेलकम टू माय चैनल नेहा फाइसी का शार्क टैंक वाला वीडियो और बिग टॉस वाला वीडियो रियली दिखाता है कि नेहा और उसका हस्बैंड कितने टैलेंटेड हैं एक कॉन्सेप्ट सोचना उसको कॉमेडी में टर्न करना उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना एक बहुत ही टैलेंट का काम है फिर मुझे याद आते हैं इब्राहिम इनका देखा जाए तो सिर्फ दीपिका ही टैलेंटेड है चाहे एक्टिंग हो या व्लॉगिंग व्लॉगिंग भी दीपिका ने ही सबसे पहले शुरू की थी तो इनके व्लॉगिंग स्टाइल का क्रेडिट दीपिका को जाता है और बाकी के दोनों टैलेंट शोएब और सबा कॉपी करने के अलावा इनको आता क्या है ना तो शोएब को एक्टिंग आती है व्लॉगिंग में दोनों भाई बहन ने दीपिका के स्टाइल को कॉपी किया है वही वीडियो बनाने का स्टाइल वही वॉइस ओवर स्टाइल दोनों भाई बहन ने इतना सा भी दिमाग नहीं लगाया अपना खुद का व्लॉगिंग स्टाइल क्रिएट करने के लिए जीरो क्रिएटिविटी जीरो टैलेंट है और अपने लेवल को पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं जब लोगों ने इनकी टॉक्सिसिटी को कॉल आउट करना शुरू कर दिया तो कुछ टाइम तो थोड़े लॉस से रहे फिर इनको समझ नहीं आया कि ये अपने टॉक्सिक बिहेवियर को कैसे छुपाएं। तो इवेंचुअली अपनी वही चोरी की आदत को ही यूज किया इस बार कंटेंट की चोरी अपने क्रिटिक से कर रहे हैं अब जिस जिस चीज पे इनका क्रिटिसिज्म होता है रेडिट पे हो या फिर इनके इंस्टा यूट्यूब कॉमेंट्स पे उसी पे व्लॉग्स बना देते हैं लोगो ने जब कॉमेंट्स किए डॉक्टर के, के पास कभी जाते हुए दिखाई नहीं देते तो अब स्कैनिंग वाला वीडियो भी आ गया डॉक्टर विजिट के लिए तो दीपिका ने पेपराजी को भी बुलाया था कि देखो देखो मैं डॉक्टर डॉक्टर के पास जाती हूँ ऑडियंस ने क्वेश्चन किया कि दीपिका के पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं तो अचानक से दीपिका की मम्मी वापस आ गई और उसका बर्थडे भी मनाया गया जैसे ये लोग रिजा को ट्रीट करते थे जब उस पे क्वेश्चन किया गया तो अचानक से रिजा को भी अच्छे से ट्रीट करने लगे बेसिकली अब इनका घर आई I मीन mean, इनका कॉन्टेंट सोशल मीडिया पे वो लोग चला रहे हैं जिनको ये इब्राहिम वीडियो बना के बुरा भला कहते हैं सिर्फ इसलिए क्यूँकी वो लोग इनके टॉक्सिक और रिग्रेसिव बिहेवियर पे क्वेश्चन करते हैं जैसे इसका ये भी मतलब है कि ये लोग इतने डेस्पिरेट हैं कि सभी लोग इनको सिर्फ और सिर्फ लाइक करें क्रिटिसिज्म इनसे बर्दाश्त नहीं होता और सुधरना इन लोगों ने है नहीं तो अपने क्रिटिक्स को बैश करने के बाद ये बोलने के बाद कि करो जो करना है हम तो ऐसे ही रहेंगे ये लोग उन क्रिटिक्स से ही अपना कंटेंट चुराने लगे हैं ताकि वो लोग भी इनको एक्सेप्ट कर लें इनको क्या लगता है कि लोगों को इनकी फेकनेस नहीं दिखती सबको दिखती है सिर्फ नार्सिस्टिक्स को अपना खुद का टॉक्सिक बिहेवियर नहीं दिखता उनको लगता है कि वो लोगों को सक्सेसफुली बेवकूफ बना रहे हैं क्रिटिक्स को चुप करवाने के लिए ये लोग कुछ भी दिखावा कर ले अपने व्लॉग्स में इनकी टॉक्सिसिटी फिर भी नहीं छुपती सब कुछ दिख ही जाता है तो आजकल सोशल मीडिया से इनका घर चलता है और ये लोग अपनी रोटियाँ सेकते हैं नाउ थैंक्स फॉर